हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। चैप्टर से हम लोग पार्ट सेवन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैच एंड स्लैक साइकिल और सी4 साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो लाइट फेज होता है, यानी लाइट जो रिएक्शन होता है वो तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस या उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके ग्रीनर पार्ट में होता है, और जो डार्क रिएक्शंस अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है उससे हम लोग रिडक्शन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ CO2 या कंपोनिकेशन ऑफ CO2 भी हम लोग कह सकते हैं। तो वो एक्चुअल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग वे में करते हैं। कुछ प्लांट्स CO2 का जो फिक्सेशन है या CO2 का जो अपचयन है वो C3 पास से करते हैं, C3 साइकिल से, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 का जो अपचयन है या CO2 का जो फिक्सेशन है इन शुगर या कार्बोहाइड्रेट वो एक्चुअल में C3 चक्कर से ना करके C4 से करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले 1960 कैप्रिलो और मेस एंड 1965 कॉर्ड चौक इन शुगर के, यानी दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम दैट की, यानी सबसे पहली बार है कि ये जो प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल जो कार्बनिक जो कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इज फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्रथम स्टेबल जो कार्बन अमाउंट होता है या कार्बन कंपाउंड होता है वो चार कार्बन वाला होता है। एक्चुअली कौन होता है? OA, यानी ऑक्सलो एसिटिक एसिड। जबकि अगर वेरिएंस अगर बात कर सकते हैं कि C3 साइकिल की बात हम करें, उसमें फर्स्ट जो कार्बनिक जो कंपाउंड स्टेबल था वो PGA था, जिसको यानी उसके एक मॉलिक्यूल में या एक मोल के अंदर उसके तीन कार्बन थे, उसके अंदर क्या है 4 कार्बन। तो ये इसीलिए इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं C4 साइकिल। और इन 1966 यानी 1966 के अंदर हैच एंड स्लैक ऑब्जर्व किया एंड डिस्कवर दैट कंप्लीट C4 साइकिल, C4 या कार्बन कंप्लीट पाथ फॉर C4 साइकिल। इसी C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैक या C4 साइकिल कहते हैं। इसका सबसे मस्ट रीजन क्या होता है कि इस साइकिल में जो प्लांट्स होते हैं वो अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो CO2 का जब यूं कह सकते हैं कि शुगर कहते हैं। ये तो जनरली कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च या शुगर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका स्थिरीकरण करते हैं। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, CO2 का स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म के अंदर जो एक अपचयन होता है वो ही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन CO2 का कार्बोहाइड्रेट में जो रिडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है या फेज हम लोग कह सकते हैं वो एक अलग अलग वे में होता है, जिसको हम लोगों ने जनरली 3 वे में डिफाइन किया होता है। सबसे पहला C3 साइकिल, कुछ प्लांट C4 साइकिल से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं CM साइकिल करते हैं। तो यहां पर हम लोग C4 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है कैप्रिलो एंड कॉर्ड चौक 1960 एंड 1965 इसने किसके पर डिस्कवर किया, मेज पर, इसने किस पर, शुगर के। और ये दोनों ही प्लांट्स अगर बात हम करें स्टूडेंट्स ये मोनोकोट्स है, यानी ध्यान दीजिए मोनोकोट, ये आप लोग जानते हैं मोनोकोट यानी एक बीजपत्री प्लांट्स की बात हम करें, मेज है, शुगर केन है, इन प्लांट्स की बात हम करें। और ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं यानी मोनोकोट भी होते हैं और डाइकोट प्लांट्स की बात हम कर सकते हैं, अमेरेंथस की बात हम करें, यूफोरबे की बात करें, कुछ कैक्टस की बात हम करें, इन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है। तो C4 साइकिल का मीन क्या होता है कि CO2 के अपचयन के दौरान यानी ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ CO2 फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और वो कौन सा कंपाउंड होता है, OAA, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और इसके एक मोल में, इसके एक मोलिक्यूल में 4 कार्बन, यानी कितने होते हैं 4 कार्बन इसके अंदर क्या होते हैं कंटेनिंग होते हैं। इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल को का जो कंप्लीट पाथ है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था हैच एंड स्लैक। सो वी कैन से आल्सो कॉल दिस साइकिल हैच एंड स्लैक साइकिल और C4 साइकिल। ओके, तो ये तो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हो गए, यानी पहला
जो स्थाई कंपाउंड होता है, यानी आपको मैं बता रहा हूं स्टेबल यानी स्थाई जो कार्बनिक यू कह सकते हैं यौगिक होता है वो OAA ऑक्जलो एसिटिक एसिड, ये ध्यान दीजिए ऑक्जलो एसिटिक एसिड होता है। और C3 साइकिल में पहला जो स्टेबल जो कार्बनिक कंपाउंड होता है वो PGA जो तीन कार्बन वाला होता है, थ्री कार्बन कंटेनिंग, ओके, और उसका नाम बताया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए इन साइकिल्स को C4 और C3 कहते हैं। अब जनरली ये प्लांट्स मैं बता दिए कि C4 मैं इनको इरेज कर देता हूं, ये तो आप समझ रहे हैं। अब इस पाथ को जो ये कार्बन C4 जो पाथ है या जो साइकिल का जो कंप्लीट पाथ डिस्कवर्ड बाय हैच एंड स्लैक इन 1966, ओके, तो ये जो पाथ है वो कैसे डिस्कवर्ड होता है या किस प्रकार होता है क्या इसमें तो बता दूं। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो स्टोर मोनोकोड और डाइकोड दोनों हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये इनमें कुछ जो प्लांट्स होते हैं जीरोफाइटिक हो सकते हैं। कौन से होते हैं? जीरोफाइट, यानी मरो स्थली प्लांट्स। अगर बात हम करें मोनोकोड्स होते हैं डाइकोड्स में होते हैं, और हमने इनका डिस्कवर मैंने बताया था अभी मैज और सोगर के दोनों ही अगर आपको याद रह जाते हैं तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। अमरेंथस की बात हम U4 भी या कैक्टस इन प्लांट्स की बात हम, इनमें भी ये C4 साइकिल ही होता है। अब C4 जो प्लांट्स होते हैं एक बार ध्यान दें, C4 जो प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट्स हैव इंटरेस्टिंग एनाटॉमी, यानी कि जो लीफ की एनाटॉमी होती है स्टोर, इसको ध्यान दीजिए मैं भी आपको बता रहा हूं एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट्स, और वो किसकी बात हम करें, इनके लीफ की बात हम करें। कौन से पार्ट की? लीफ की एनाटॉमी जो होती है इनकी, एक इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है एक अलग टाइप की होती है, यानी एक्चुअली क्या होता है कि इन प्लांट्स की लीफ में, यानी C4 प्लांट्स लीव हैव टू टाइप सेल्स, इसकी इनकी लीफ में टू टाइप की सेल्स होती है, ध्यान दीजिए दीज प्लांट्स C4 प्लांट्स हैव टू टाइप सेल्स, दो प्रकार की कोशिका होती है, टू टाइप टाइप सेल्स, ये ध्यान से आप सुन लीजिए। फर्स्ट टाइम जो सेल्स होती है फर्स्ट टाइम वो होती है मीजो मीजोफिल, एंड सेकंड टाइप सेल्स बंडल सी पेरेन्काइमा, ओके, सो पेरेन्काइमा, ये ध्यान दीजिए। C4 plants have two types cells. One is mesophyll, यानी पर्ण मध्योतक, ये आप सभी स्टूडेंट जानते हैं mesophyll cells जो होती है वो लीव की अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाने वाली पेरेन्काइमा सेल्स होती है, और दीज सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, और क्लोरोप्लास्ट डिवाइडेड इन जनरली बात हम कर सकते हैं कि हैव टू पार्ट्स स्ट्रेम और ग्लैंड, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं मेसोफिल एंड बंडल सी। अब जो बंडल सी जो सेल्स होती है इनके बारे में बात बता दूं कि इन प्लांट्स की जो C4 प्लांट्स होती है इनकी लीफ की जो एनाटॉमी होती है उसकी एनाटॉमी को हम लोग क्रेंज कहते हैं, ये ध्यान दीजिए क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, ये ध्यान दीजिए क्रेंज शारीरिक की एनाटॉमी का मीन, यहां पर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं शारीरिक की, यानी किसी भी पादप अंग के आंतरिक संरचना उसके टिश्यूज का जो अरेंजमेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोलते हैं एनाटॉमी बोलते हैं, और जो आउटर स्ट्रक्चर होता है यानी आउटर यानी बाह्य जो संरचना होती है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी यानी आकार की। तो ये क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट्स, ध्यान दीजिए इन C4 प्लांट्स लीव हैव स्पेशल या इंटरेस्टिंग एनाटॉमी, दिस एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। तो व्हाट इज मीन क्रेंज, आपको बता दूं इन सेंस होता है कि इनकी लीव के अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज आप लोग यू नो दैट, आप लोग जानते हैं वैस्कुलर टिश्यूज में हम लोग टू टाइप को बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम की बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो वैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं इनके चारों तरफ यानी वैस्कुलर टिश्यूज के चारों तरफ जो बंडल शीथ जो सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स, स्टूडेंट्स इसको आप कंफर्म कर ले, बंडल शीथ पेरेन्काइमा सेल्स अरेंज्ड अराउंड द वैस्कुलर टिश्यूज लाइक ए ग्रेन्ड्यूलर, यानी ग्रेन्ड्यूलर, और ग्रेन्ड्यूलर का हिंदी में आप लोग जानते हैं माला का, यानी माला रूपी आकृति में ये जो सेल्स होती है, और ये कौन सेल्स है हम लोग जानते हैं, इन सेल्स को लोग क्या होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, ये तो आपको कंफर्म है वैस्कुलर टिश्यूज, ओके स्टूडेंट, और वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके सेवन ऊतकों के चारों तरफ ये जो सेल्स होती है बंडल सीथ सेल्स अरेंज्ड अराउंड सराउंड द वैस्कुलर टिश्यूज लाइक ए ग्रेंडुलर, आप समझ पा रहे स्टूडेंट ग्रेंडुलर, ओके, या विथ यानी ग्रेंडुलर एंड
रिच स्ट्रक्चर, और इसी ग्रेनुलर या रिच को हम लोग जर्मन लैंग्वेज, इन जर्मन लैंग्वेज में हम लोग एक्चुअली क्या होते स्टूडेंट, क्रेंज, क्या बोलते हैं, क्रेंज, इन जर्मन लैंग्वेज ग्रेनुलर एंड रिच कोल्ड या नोन एज ए क्रेंज, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को या इनके एनाटोमी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेंज या क्रेंजा एनाटोमी। ये ध्यान दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल एज नीट एग्जाम, ये ध्यान दीजिए। तो ये मैंने बता दिया कि मेसोफिल जो अब बात करते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होगी वो जो सेल्स होगी वो कौन सेल्स होगी स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स। आप लोग जानते हैं, यू नो दैट मेसोफिल जो सेल्स होती है वो मेसोफिल सेल्स अपर और लोअर, ये बता दिया था, अपर और लोअर एपिडर्मिस में, अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, इनके बीच ये एक्सट्रोकोन स्टोमेटा है, और ये एक्चुअल अगर बात हम करें दीज आर ए मेसोफिल सेल्स। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर टू टाइप सेल्स आर प्रेजेंट इन C4 लीफ्स, C4 प्लांट्स लीफ। ओके, ये आपको समझ में आ गया, इसी एनाटॉमी को हम लोग क्या होते हैं, क्रेंज, और क्रेंज का भी बता दिया कि इनके सेवन उत्तकों के जो वैस्कुलर टिश्यूज के चारों तरफ बंडल शीट, हिंदी भी मैं लिख रहा हूं पोल आच्छद, पोल आच्छद या पुलाच्छद, पुलाच्छद कोशिकाएं या पुलाच्छद पैरेन्काइमा जो टिश्यूज की कोशिकाएं होती है वो वैस्कुलर टिश्यूज के चारों तरफ एक माला का आकृति में अरेंज होती है। ओके, इसी माला रूपी आकृति या शारीरिकी यानी एनाटोमी को वी नो दैट क्रेंज एनाटोमी, इट इज एनाटोमी प्रेजेंट इन सीपोर प्लांट्स। ओके, इन लीफ, इनकी पत्तियों में। तो ये एनाटोमी कौन से पार्ट की है, लीफ, ये ध्यान दीजिए लीफ में पाई जाती है, स्टेम रूट की बात हम लोग यहां पर नहीं कर रहे। तो ये आपको समझ में आ गया, तो यहां पर टू टाइप की सेल्स होती है, तो टू टाइप की सेल्स होगी, तो डेफिनेटली दीज प्लांट्स C4 प्लांट्स हैव टू टाइप क्लोरोप्लास्ट, डेफिनेटली सर टू टाइप की सेल्स होगी। अगर हम लोग, मैंने अभी बता दिया एक प्रकार की जो सेल्स आपने बोला मेसोफिल, और सेकंड टाइप की जो सेल्स है वो है शॉर्ट बंडल, बंडल सीथ, बंडल सीथ कोरेंका और पेरेंकाइमा। अब मेसोफिल जो टू टाइप की सेल्स, C4 प्लांट्स, ओके, इन लीफ, पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और इनके एनाटॉमी को इनकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, टूट क्रेंज बोलते हैं, और क्रेंज C4 में होती है, C3 में होती है। तो हम लोग इसी वीडियो में C4 और C3 प्लांट्स के जो डिफरेंस हो गए वो भी हम लोग रीड कर लेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो मेसोफिल जो सेल्स है, अब हम जान सकते हैं C4 प्लांट्स हैव टू टाइप सेल्स। ओके, तो वेयर एज यू कह सकते हैं, तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो टू टाइप, क्लोरोप्लास्ट टू टाइप होगा। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल पर्णमध्य कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी मेसोफिल सेल्स हैव डेवलप्ड, ये ध्यान दीजिए, डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट है, और इनका एक्चुअल डेवलप्ड होता है, एंड मेसोफिल सेल्स हैव स्मॉल साइज क्लोरोप्लास्ट विद डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी डेवलप्ड ग्रेना एंड स्टोमा। इसको आप आराम से समझें, इन प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा स्टूडेंट, वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या होगा, स्मॉल साइज में होगा, कौन सी सेल की, मेसोफिल सेल्स की। तो मेसोफिल सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या होगा, स्मॉल साइज बट डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, छोटी साइज के होंगे लेकिन डेवलप्ड होंगे, एंड डिफाइंड इन ग्रेना एंड स्ट्रोमा, इनके अंदर जो ग्रेना प्रेजेंस होगा, ये आप लोग समझे, ये इनका क्लोरोप्लास्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे बनाने की आवश्यकता है, आपको समझ लोगे, ये इनका स्ट्रोमा। ओके, अब ये तो इनकी बात मेसोफिल सेल्स की बात हम कर सकते हैं, और बंडल शीट की बात कर सकते हैं, बंडल शीट सेल्स हैव लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट बट ग्रेना इज एब्सेंट। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ग्रेना एब्सेंट एंड क्लोरोप्लास्ट हैव विद कंटेनिंग विद स्ट्रोमा, केवल इनके क्लोरोप्लास्ट में केवल क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, यानी इनका जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो बड़ी साइज का होगा, और इनके अंदर जो थायलेकाइट्स होगी वो उनके एक्चुअल कौन सी रीजन में होगी, स्ट्रोमा में होगी, यानी ग्रेना क्या होगा, एब्सेंट होगी। कंफर्म कर ले कि मेसोफिल सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल छोटी साइज के होंगे, और ग्रेना प्रेजेंस होगी, और डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, इनका क्लोरोप्लास्ट होगा लार्ज साइज के होंगे बट अनडेवलप्ड,
हैविंग विद अनडेवलप्ड है, ये ध्यान दीजिए अनडेवलप्ड होगा और ग्रेनाइज एब्सेंट, ये दोनों में डिफाइन हो गए। ओके, तो हमने C4 प्लांट्स की स्ट्रक्चरल स्टडी करने के बाद में अब हम लोग C4 जो साइकिल है उसका हम लोग जो कार्बन पाथ होता है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं, और दिस पाथ ऑब्जर्व या डिस्कवर्ड बाई हैच एंड स्लैक। ओके, इसलिए इसको साइकिल को हम हैच एंड स्लैक साइकिल, C4 साइकिल तो कहते हैं, और C4 साइकिल। अब बात हम कर सकते हैं C4 प्लांट्स के अंदर, तो स्टूडेंट ये जो C4 साइकिल है इसमें एक्चुअल होता कैसे और वो किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस करते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता दूं। तो यहां पर मैं एक पाथ ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रक्चर या एक डायग्राम बनाता हूं और आप आराम समझ जाएंगे। और यहां पर हम जानते भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनकी लीफ में 2 टाइप की सेल्स हैं, और विजोफिल और बंडल। एक बात और इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का स्टूडेंट, इनके जो फोटोसिंथेसिस के अंदर C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, कौन सा लाइट रिएक्शन? टैग पैलेस, राइट लाइट रिएक्शन टैग पैलेस इन मीजोफिल सेल्स, ये कंफर्म कर लें। कौन सेल में? मीजोफिल सेल्स, यानी इनकी पर मध्यो कोशिंग होगा, और जो अप्रकाशी का अभिक्रिया है लाइक डार्क रिएक्शन टैग पैलेस इन या कंप्लीटेड इन बंडल शीट, ये ध्यान दीजिए। यानी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनके अंदर मीजोफिल कोशिकाओं में तो, और C3 प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं कि वहां पर बंडल शीट होती नहीं है, तो वहां पर लाइट और डार्क दोनों ही कौन से सेल्स में होते हैं? मीजोफिल में। ये जरूर है कि मीजोफिल के कौन से पार्ट में? ग्रेना और स्ट्रोमा, यानी क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहां पर क्लोरोप्लास्ट है 2 टाइप के, एक क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल्स का, एक कौन सा है? बंडल शीट। ये कंफर्म कर लीजिए ये दो, और ये मैंने दोनों सेल एसोसिएट विद ईच अदर, ये एसोसिएट होती है। तो मैं यहां पर यूं कह सकते हैं, ये आपको डायग्राम बनाने के लिए आपको मैं बता दी। अब यहां पर ये मैं हटा दूं, ये भी हम लोग लिख ही चुके हैं, और ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को बोल भी रहा हूं और आराम से आप इसको सुन भी रहोगे। अब यहां पर ये जो सेल्स है स्टोरी, इट इज ए मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल, ओके, और इट इज ए बंडल शीट, बंडल सीथ पैरेन्काइमा। ओके, अब इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेवलप्ड वेल डेवलप्ड होता है, और ये क्या अनडेवलप्ड है, एब्सेंस या यू कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ स्ट्रोम एंड ग्रेना, ग्रेना में एब्सेंस होता है, साइज बड़ी होती है, साइज भी छोटी, ये सेल्स हमने लिए हैं। अब एक्चुअल स्ट्रोम क्या होता है कि इन प्लांट्स के अंदर, जब प्लांट्स क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ये एटमोस्फेयर से, सभी प्लांट्स एटमोस्फेयर से ही CO2 को क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद ये स्ट्रोमा क्या होते हैं, एंटर्ड इन मीजोफिल सेल्स थ्रू द स्ट्रोमेटा, यानी स्ट्रोमेटा के द्वारा। ये तो हम जानते हैं कि लीफ में स्ट्रोमेटा होते हैं, लीफ की स्ट्रोमेटा के द्वारा गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बाय द डिफ्यूजन, हम लोग पढ़ी चुके हैं। तो एनवायरमेंट की जो CO2 होती है, ये एक्चुअल CO2 जो होती है एंटर्ड इन द मीजोफिल सेल्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर, और इन सेल्स की मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में यहां पर एक कार्बनिक कंपाउंड होता है और वो होता है PEP, ये ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, स्टूडेंट्स को सुन लें, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, और ये यहां पर क्या हो रहा है, CO2 एक्सेप्टर, यानी CO2 ग्राही है, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, यानी CO2 क्रिया करता है, और PEP जो होता है 3 कार्बन, कितना 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड होता है, ये ध्यान दें, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, ये मैं लिख भी रहा हूं, और आप अगर नहीं लिखा तो भी आप समझ पाए, मैं दोबारा इसका नाम रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोइनोल पाइरुविक पाइरुविक एसिड। ओके, समझ आ रहा है आपके? तो ये 3 कार्बन होता है, ये क्या करता है कि PEP एटमोस्फेयर जो CO2 होती है वो एंटर स्ट्रोमा कर एंटर करती है फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, और PEP इससे क्रिया करके यानी एक फर्स्ट कार्बन, यानी कह सकते 4 कार्बन वाला फर्स्ट जो यू कह सकते फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड वो बनता है OAA, और वो OAA का पूरा नाम हम जानते हैं ऑक्सलोएसिटिक एसिड, और यहां पर पीपी ये जो वर्क करता है एक एंजाइम होता है पेप्सिको, इसका पूरा नाम अगर बात हम कर सकते हैं पीईपी कार्बोक्सिलेट, फॉस्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेट एंजाइम की प्रेजेंस में पीईपी
रिएक्ट विद CO2 एंड कन्वर्ट या प्रोड्यूस फोर कंटेनिंग या फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑक्सलो एसिटिक एसिड. इट इज ए फर्स्ट स्टेबल कार्बोनिक कंपाउंड ऑफ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके सर, इन सीबो प्लांट, सीबो प्लांट में ये सबसे पहला स्थायी यौगिक है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. इसको ध्यान दीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैंने इसके फुल नेम बता दिए और इनका पूरा नाम मैंने बता दिया. फास्फो फास्ट स्टूडेंट फास्फो इनोल पाइरुविक अम्ल ऑक्टलो एसिटिक एसिड. यानी यहां पर अगर मैं नाम लिखता हूं तो जगह हमारे पास कम रहेगी, ऑक्टलो एसिटिक एसिड. ओके, और पीयूपी का नाम लिख दिया और ये कौन है, पेप्सिको एंजाइम. तो इसलिए आपको देखना होगा इन प्लांट्स के अंदर. और एक कौन सी फोर प्लांट्स में CO2 का ग्रहिका कम कौन कर रहा है, पीईपी. ओके, और अगर हम लोग बात करें सी3 चक्र में कौन था, अगर मैंने आपको बता दिया था RUBP. अगर आपको RUBP रिबुलोज मोनो फास्फेट जो 83 रिएक्ट करके RUBP बनाता था जो हमने डिलीट किया था, और वो वहां पर एग्जाम अगर बात करते वहां पर कौन सा एंजाइम था, रुबिस्को. कौन सा एंजाइम था, रुबिस्को एंजाइम, प्रत्यक्ष रुबिस्को. ये ध्यान से सुन लीजिए. और यहां पर कौन सा एंजाइम है, पेप्सिको. और ये दोनों एंजाइम कौन से, कार्बोक्सिलेज. ओके, तो यहां पर इसकी OA, OA का जो क्या होगा, OA जो ऑक्सलो एसिटिक है जो चार कार्बनिक यौगिक है, ये OA का एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, अपचयन हो जाएगा. और अपचयन किसके अंदर हो जाएगा, मैलेट में, यानी मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में हो जाएगा. और मैलिक एसिड एक्चुअल में कौन है, फोर कार्बनिक, या फिर अब मैलिक एसिड लिख ले, मैलिक लिख ले, फोर कार्बनिक एक्चुअल में कौन है, कंपोनेंट्स. और इसका जो ऑक्स अपचयन जो होगा, इसका अपचयन की बात हम करें वो एक्चुअल किसके प्रेजेंस होगा, एनएडीपी, एनएडीपीएच2. और हम जान सकते हैं स्टूडेंट सी फोर चक्र के पहले भी कौन सा लाइट कौन सा प्रोसेस हो चुका है, प्रकाशिक अभिक्रिया. और प्रकाशिक अभिक्रिया का जो फॉर्मेशन या प्रकाशिक प्रोसेस है वो तो सर सभी प्लांट्स में इक्वल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन टू फेज, लाइट एंड डार्क. तो लाइट तो कॉमन है सभी के अंदर, सभी प्लांट्स में लाइट रिएक्शन के दौरान. तो H2O का हमने बता दिया था कि H2O का जल का ऑक्सीडेशन होता है, ATP और NADP का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का यू कह सकते हैं ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ये मैंने बताया था, ये सभी में सेम होगा. लेकिन ATP और NADP का यूज करते हुए द रिडक्शन ऑफ CO2 जो होता है वो मे बी वेरियस टाइप्स इन ग्रीन प्लांट्स. उन्हीं में से एक टाइप जो हमने पढ़ चुके हैं C3 चक्र और एक C4 साइकिल. तो C4 साइकिल का नाम क्यों बड़ा, क्योंकि CO2 का यहां पर CO2 का एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां देखिए CO2 कब से हो रहा है, और CO2 के की बात हम करें तो CO2 का यहां पर स्थिरीकरण हो रहा है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इन कार्बनिक कंपाउंड्स. और इट इज ए कार्बनिक कंपाउंड. ओके, तो ये फोर कंटेनिंग कार्बन है, इसलिए इसको हमने इसके बनने की वजह से इट इज ए फर्स्ट स्टेबल कार्बनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन या ड्यूरिंग द CO2 रिडक्शन या ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन. ओके, सो वी कॉल इट C3H4 साइकिल. ओके सर, अब OA का क्या होगा, इसमें अपचयन होगा मैलिक एसिड में. और सर प्रेजेंस ऑफ NADPH2, NADPH2 ऑलरेडी कौन है सर, अपचयित, यानी एसिमिलाइजेशन एक्चुअली पावर है. और ये प्रकाशीय अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो यहां पर इसका तो NADPH2 का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, NADP+ एंड हाइड्रोजन आयन. स्टूडेंट आप जानते हैं, तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इसका क्या होगा, अपचयन. तो इसके द्वारा रिलीज हाइड्रोजन, रिलीज हाइड्रोजन रिएक्ट विथ OA. ओके स्टूडेंट, एंड रिडक्शन ऑफ OAA इन मैलिक एसिड. ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ पा रहे हैं कि मैलिक एसिड यानी ऑक्सलो एसिटिक है, जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, आप समझ पा रहे हैं, ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है उसका मैलिक एसिड में क्या हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ या यूज ऑफ NADPH2. ओके, अब मैलिक एसिड बनने के बाद, और ये प्रोसेस किससे हो रहा है सर, इट प्रोसेस या रिएक्ट टैक पैलेस इन मेजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स या C4 यू कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर हो रहा है. अब मैलिक एसिड जो होगा जनरली स्टोन यहां पर क्या होगा, मैलिक एसिड जो होगा वो मेजोफिल सेल्स है, एक्चुअल कौन सेल में चला जाएगा, बंडल शीट में. ये ध्यान दीजिए, मेजोफिल सेल से कौन सेल में चला जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट, हम इसको मैलेट भी कह सकते हैं, मैलेट एसिड. ओके, या मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड. तो मैलिक एसिड एक्चुअल में मेजोफिल सेल से है, मेजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में क्या करेगा, एंटर्ड फ्रॉम मेजोफिल सेल टू बंडल शीट. ओके सर, इट इज ए फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि मैलिक एसिड जो होगा, मैलिक एसिड का
एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, डीकार्बोक्सीकरण। क्या होगा? डीकार्बोक्सीकरण। और डीकार्बोक्सीकरण का मतलब होता है कि मैलिक एसिड जो है उसके एक मोल के अंदर चार कार्बन, तो डीकार्बोक्सीकरण का मीन हो गया कि यहां पर मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सीकरण होने से मैलिक एसिड डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, डीकम्पोज भी कह सकते हैं, कन्वर्टेड टू कम्पो, है ना। एक तो किसमें CO2 रिलीज हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, पाइरुविक एसिड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड जो होता है थ्री कार्बन कंटेनिंग, तीन कार्बन से बनने वाला ये क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो मैलिक एसिड का एक्चुअल में क्या होगा, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड की प्रेजेंस में यहां पर डीकार्बोक्सीकरण होगा। और इस प्रोसेस के दौरान यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान इसका डीकार्बोक्सीकरण होता है और पाइरुविक एसिड का चेंज होता है। तो एक तो CO2 यानी कार्बन ये निकल कर तीन होता, तो तीन और एक चार, आप समझ पा रहे होंगे। और इस प्रेजेंस में एनएडीपी, एनएडीपी का हाइड्रोजन से क्रिया होने के बाद में एनएडीपी, एनएडीपीएच2 का यहां पर क्या होगा, अपचयन होगा। यानी इसका, यानी एनएडीपी जो ऑक्सीकृत अवस्था में हाइड्रोजन क्रिया करके अपचयित एनएडीपी का निर्माण होगा, CO2 बनेगा। और पाइरुविक एसिड जो तीन कार्बनिक जो कंटेनर है वो वापस से बंडल शीट से, कौन सेल से, बंडल शीट सेल से। कि यहां पर अगर मैं आपको लिखूं पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड, ओके, एंटर्ड इन मेसोफिल सेल्स फ्रॉम बंडल शीट सेल्स, और पाइरुविक एसिड जो होगा कन्वर्ट इनटू पीयूपी, क्योंकि ये भी तीन कार्बन है। और पाइरुविक एसिड जब पीयूपी में कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल में, तो फॉस्फोइनोल इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कौन से का, इस साइकिल का, साइकिल क्यों बोलेंगे कि कोई भी प्रोसेस जिस कंपाउंड से स्टार्ट होता है उसी कंपाउंड पे आगे खत्म हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को साइकिल कहते हैं। तो यहां पर ये जो साइकिल आप देख पा रहे, ये जो साइकिल आप देख रहे, ये जो साइकिल, इसको आपने क्या नाम दे दिया, सी फोर साइकिल, क्योंकि इसका स्टार्टर जो कंपाउंड था वो भी कौन है, पीपी है, और एंडिंग कौन है, पीपी है। तो फास्ट पाइरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, और यू कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एटीपी, किसकी प्रेजेंस स्टूडेंट, एटीपी। और हम जान सकते हैं एटीपी का फॉर्मेशन किसमें होता, हमने देखा था कि सी थ्री साइकिल के दौरान भी प्लांट्स एटीपी और एनएडीपीएच2 का CO2 के फिक्सेशन में यूज करते हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि CO2 का फिक्सेशन यहां हो रहा है बट C4 साइकिल से, लेकिन यहां पर आप देखा कि शर्करा का फॉर्मेशन जो अभी नहीं हुआ, अभी मैं बता दूं, तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी टूट जाएगी और एटीपी की प्रोडक्ट एडीपी आईपी, और आईपी जो होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड विद पाइरुविक एसिड एंड पाइरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, और फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड अगेन एक्सेप्ट द CO2 एंड रिएक्ट विद CO2 प्रेजेंट इन पेप्सिको एंजाइम एंड कन्वर्ट या प्रोड्यूस ऑक्सो एसिडिक एसिड, ये वापस स्टार्ट होगा, इट इज अ C4 साइकिल। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो CO2 का जो डीकार्बोक्स, यहां पर जो मेलेट का हुआ था डीकार्बोक्सीकरण हुआ था, और यहां पर जो CO2 रिलीज होती है, ये CO2 एक्चुअल में इस मेसोफिल सेल्स के अंदर, किसमें स्टोर, मेसोफिल सेल्स के, ये मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स में इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा RuBP। ये समझ स्टूडेंट, तो आपने देखा कि इन C4 प्लांट्स की बंडल शीट सेल्स के अंदर CO2 का जो ग्राही होता है, यानी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RuBP लाइक C4 3 प्लांट्स। तो RuBP यहां पर प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को, प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को एंजाइम, यहां पर कौन है, पेप्सिको, रोबिस्को एंजाइम, रोबिस्को कार्बोक्सी एंजाइम है ये, यहां पर एंजाइम क्या करेगा, यानी राइबुलोज बाई कार्बोक्सी एंजाइम है, ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा, और CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद हम जान सकते हैं RuBP के बाद में हम लोग इसके आगे हम जानते हैं क्या स्टार्ट होता है, सी थ्री साइकिल, हम जानते हैं स्टूडेंट PGA PGL एटसेट्रा। तो ये PGA ओके एंड PG अगर बात हम करें कन्वर्ट इनटू किसमें, PGAL एंड PGL कन्वर्ट इनटू सरका, ये इतना है नहीं सर, मतलब आपको बताने की आवश्यकता करो इतनी उसकी आवश्यकता नहीं है, सोगा। तो ये एक्चुअल अगर बात हम कर सकते, और इस प्रोसेस में जान सकते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में RuBP वापस बनता है, तो ये कौन साइकिल हो गया, सी थ्री साइकिल। तो ये इतना है नहीं, आप इसको समझे डायरेक्टली मैं बता सकता था कि CO2 entered into C3 cycle by the RuBP, ओके सर, एंड यू कर, इस प्रोसेस के दौरान हम C3 cycle फट चुके हैं, तो C3 cycle का प्रोसेस इन C4 प्लांट्स में भी होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में पहले कौन सा साइकिल होगा, C4 भी
और सी थ्री। आप क्या देख रहे हैं, सी फोर एंड सी थ्री। तो इसके अंदर सी फोर प्लांट जो सी फोर साइकिल है वो कौन से सेल में, मेसोफिल में, और ये किसके अंदर, इसके अंदर। तो सी ऑटो का जो एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट के दौरान जो रिडक्शन हुआ वो तो सी थ्री साइकिल से हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली में सी थ्री साइकिल लाओ पहले सी फोर साइकिल होता है। सी फोर साइकिल में सीओ टू का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन होने के बाद में डीकार्बोनेशन होता है, और जो सीओ टू रिलीज की जा रही है ओके फ्रेंड बाय द कार्बोनिक कंपाउंड्स, उस सीओ टू को रूबिस को एंजाइम के प्रेजेंस में आरयूबी पे एक्सचेंज करता है एंड कन्वर्ट इनटू पीजीए, और पीजीए इज ए फर्स्ट स्टेबल कार्बोनिक कंपाउंड ऑफ सी थ्री साइकिल। ओके स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देखा कि इन प्लांट्स में काफी कुछ डिफरेंट है, तो ये प्रोसेस डिफरेंस बिटवीन सी थ्री एंड सी फोर। सर मैं बहुत ही सॉफ्ट नहीं बता रहा हूं, सी फोर जो प्लांट्स होते हैं इनके रिस्टोरेंट इनमें एक्चुअली क्या होता है कि सीओ टू का सीओ टू जो एक्सेप्ट होते हैं दो होते हैं, एक तो होता है पीईपी और एक होता है आर यू बी पी रिब्लोज बाई फॉस्फेट। ये हम लोग पढ़ चुके, इनमें सीओ टू जो एक्सेप्ट होता है इज अ सिंगल आर यू बी पी। सेकेंड बात हम कर सकते हैं, इन प्लांट्स की जो लीफ होती है इनमें टू टाइप की सेल्स होती है, ये हम लोग जान चुके हैं, मेसोफिल और बंडल शीथ। इन प्लांट्स में सिंगल टाइप सेल्स प्रेजेंट्स और वो कौन सी है, मेसोफिल सी, बंडल सी सेल्स आर एब्सेंट। ये आप इसको तो लिख सकते हैं, इन बंडल सी सेल्स नहीं होती है। इन प्लांट्स के अंदर सी फोर चक्र और सी थ्री दोनों साइकिल प्रेजेंट होते हैं, इसमें इनमें केवल कह सकते सी थ्री साइकिल प्रेजेंट इन सी फोर सी थ्री प्लांट्स। इनमें सी फोर अगर बात करते हैं सी फोर ड्यूरिंग साइकिल के दौरान फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो ओ ए होता है, ओ ए ए ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और सी थ्री में बनने वाला पी जी ए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज ए थ्री कार्बन कंटेनिंग, इट इज ए थ्री फोर कार्बन कंटेनिंग। इनमें केवल एक ही होता है जो आप जानते हैं थ्री पी जी ए। ओके स्टूडेंट, सी थ्री प्लांट्स। अब इनका जो मेजर डिफरेंस बात हम करें, सी फोर प्लांट्स में कि लीफ में ये सर दे हैव ए क्रेंज एनाटॉमी, ये आप लोग ध्यान दीजिए एनाटॉमी, और जानते हैं कि हम जान सकते हैं क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट इन सी थ्री प्लांट्स, यानी इनमें किसी प्रकार की कोई क्रेंज, और क्रेंज हम जानते हैं स्टूडेंट इट इज ए ग्रेनुलर एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ सी फोर प्लांट्स। ओके, तो इनमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती। अब बात आती है इन जो सी फोर जो प्लांट्स होते हैं, सी फोर प्लांट जनरली क्या होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। ये प्लांट जीरोफाइटिक यानी जीरोफाइटिक कह सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय। ओके, ये उष्णकटिबंधीय एरिया के जो रीजंस होते हैं उनके ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं मोनोकोट डाइकोट दोनों हो सकते हैं और ये सम आवास में भी पाए जाते हैं। ओके, ये सीप्री इन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स सी फोर प्लांट्स में सीओ टू का यूज यानी ग्रहण ज्यादा होता है, ये एक्चुअल में ये ज्यादा एक्टिव प्लांट्स है कंपेयर टू सी थ्री प्लांट, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये CO2 का एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं तो ये ज्यादा एक्टिव प्लांट्स है कंपेयर टू, यानी इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो हायर कंपेयर टू सी थ्री प्लांट, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि सी थ्री प्लांट्स में CO2 को एब्जॉर्ब या CO2 को ग्रहण करने के लिए केवल एक ही एक्सेप्टर इसमें टू टाइप के एक्सेप्टर है, मैंने बता दिया आपको पीपी और आरयूबीपी। ओके, अब एक इन प्लांट्स की बात हम करते हैं, ये जो प्लांट्स सी फोर जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका रीजन मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश अवशोषण, स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो इनमें नहीं होता, एब्सेंट होता है। बता दूंगा प्रकाश अवशोषण सी थ्री प्लांट्स में प्रकाश श्वसन, मैं हिंदी लिखता हूं एक जगह प्रकाश श्वसन जो है प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है सी थ्री,
इससे इनमें और सी3 एक्चुअल में प्रकाश शोषण इज एक प्रकार से नष्टकारी हानिकारी क्रिया है। जिन प्लांट से प्रकाश शोषण होगा उनका प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होगा, कम होगा। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इनमें ये नहीं होता है इनका प्रोडक्शन जो होता है, यानी यू कैन से सी4 प्लांट्स हैविंग विद अ हायर प्रोडक्शन कंपेयर टू सी3 प्लांट्स, ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन। ये एब्सेंस का है, ये बहुत इजी डिफरेंट बता रहा हूं सर, आप लोग इजी हम कर पाए। और इसका जो मेन डिफरेंट है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स लाइट यानी जो सोलर एनर्जी का जो सोलर रेडियन है, ये हमने पढ़ा था कि सोलर इलेक्ट्रो रेडियन, हम लोग खड़ी चौके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियन ऑफ सोलर का केवल विजुअल पार्ट यूज करते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो इंफ्रा इंफ्रारेड आउट विकिरण होते हैं, जिनका रेंज यू का हायर टू 700 नैनोमीटर। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि 700 से उच्च नैनोमीटर वाले वेव्स को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। और रक्त जो सी3 प्लांट्स उनका यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट सी4 प्लांट्स यूज इंफ्रारेड वेव्स एज वेल एज विजुअल लाइट, यानी प्रकाशी किरणों के साथ साथ वो इंफ्रारेड अवरक्त विकिरणों का यूज भी करते हैं, तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू सी3। एक ये जो प्लांट्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर यानी 30-40 डिग्री सेल्सियस में भी एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है 20-25 सेल्सियस तक हो सकते हैं, 30 तक हो सकते हैं, तो ये हायर टेम्परेट रीजन में भी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये एक बता दिया। सबसे पहली बात इनको लेकर मैंने काफी अच्छा समझा, ये शूट होगा यूज ज्यादा करती है, शूट होगा यूज कम करते हैं, ओके। तो और एक बता दिया, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें जो एंजाइम्स है इनके अंदर जो एंजाइम, एक एंजाइम होगा पेप्सिको, पेप्सिको ये स्टूडेंट आप समझ रहे हो, और एक होता है रुबिस्को, RUB रूबी स्को, ओके स्टूडेंट। तो ये जो एंजाइम है यानी ये दोनों एंजाइम एक्चुअल, और इसमें तो इन प्लांट्स में तो कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को, ओके। तो ये एक मेजर डिफरेंस आर प्रेजेंट इन सी4 एंड सी3 प्लांट। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो या टॉपिक को इजी वे में देखते हुए काफी क्वेश्चंस को सॉल्व बनाएंगे, और अपेक्षा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज